हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो यार। जी एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रूही जो होती है वो जिया को मनाने की कोशिश करती है, और निधि जो होती है वो उसे आइडिया देती है ना कि तू बस जिया को हंसा दे। अगर एक बार वो हंस गई ना तो इसका मतलब यह है कि अब वो धीरे 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 मतलब अपना गुस्सा कम कर देगी। तो इसी बात को मानते हुए रूही जो होती है वो जिया को हंसाने की कोशिश कर रही होती है, और जी उसके कैबिन में जो होती है वहाँ पे रूही और जिया की तस्वीर लगा देती है। और रूही जिया जो होती है ना वो उस तस्वीर के पास आ रही होती है ना उसे हटाने के लिए, तो रूही जो होती है वो थोड़े से नाटक करती है कि तुम कुछ भी तोड़ दो, फोड़ दो, कुछ भी कर दो, मुझे तोड़ दो, मगर इस तस्वीर को मत तोड़ना। तो जिया जो होती है फिर रूही की बात मान जाती है ना, क्योंकि आफ्टरऑल दिल ही दिल में तो उसके भी कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो वो तस्वीर नहीं तोड़ती और वो रूही से कहती है कि जाओ यहाँ से। तो रूही जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। सो उसके बाद जिया जो होती है वो अपना काम कर रही होती है ना, तो लगभग थोड़ी देर के बाद रूही जो होती है फिर जिया के कैबिन में आ जाती है। और इस बार वो ना मतलब बिना नॉक किए ना ही जिया के पास कॉल करती है और वो सीधे कैबिन में आ जाती है। तो जिया जो होती है वो कहती है कि यार तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या, किसी के कैबिन में ऐसे बिना उसकी परमिशन के आया जाता है क्या। तो रूही जो होती है वो फिर इधर उधर देखती है, तो जिया कहती है कि ओ हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ मैं तुमसे। तो रूही कहती है हो, मुझे लगा मुझसे नाराज़ हो, मुझसे बात ही नहीं करोगी, तुम मुझसे बात करो करो करो, क्या बात करनी है। तो जिया जो होती है ना कहती है छोड़ो मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो रूही कहती है कि अभी तो तुम कुछ कह रही थी ना, और मैंने जब इधर उधर देखा तब तुम कह रही थी कि तुम मुझसे बात कर रही हो, और अब कह रही हो तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो। तो जिया तुम किससे बात कर रही हो और क्या बात कर रही हो। तो जिया जो होती है ना फिर अपना सर पकड़ती है और फिर काम करने लग जाती है। तो रूही जो होती है वो जिया की वापस से गोद में आके बैठ जाती है ना। तो जिया कहती है क्या तमीज़ है ये। तो रूही कहती है तमीज़ नहीं, इसे बदतमीज़ी कहते हैं, इसे जाहिलपंती कहते हैं, इसे हक जमाना कहते हैं, इसे रोमांस कहते हैं जिया। तो जिया कहती है कि हो गया तुम्हारा, उठो यहाँ से, काम करो अपना, यहाँ क्या करने आई हो। तो रूही कहती है मैम 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 आप टाइम देखिए, ये लंच टाइम है। तो जिया कहती है कि हाँ तो क्या करूँ। तो रूही कहती है लंच टाइम है तो मैं मेरा लंच करती हूँ। तो जिया कहती है व्हाट। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, मुझे खाना खाना है, चलो खाना खाते हैं। तो जिया जो होती है वो कहती है मुझे खाना नहीं खाना, तुम जाके खा लो। तो रूही कहती है कि खा लो ना, मुझे खाना है तुम्हारे साथ, चलो मेरे साथ। तो जिया जो होती है वो कहती है नहीं खाना ना मुझे, क्यों ज़बरदस्ती कर रही हो। तो रूही जो होती है ना फिर उसकी गोद में से उठ जाती है और सोफे में बैठ जाती है और कहती है कि मुझे भी नहीं खाना, तुम्हें नहीं खाना है ना, मत खाओ। तो जिया तो होती है वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है कि यार ये लड़की क्या करूँ मैं इसका। तो जिया जो होती है ना वो तेज से अपना लैपटॉप बंद करती है और कहती है हाँ लाओ खाना खाते हैं। तो रूही कहती है ऐसे गुस्से से नहीं खाऊंगी मैं, लड़ती रहती हूँ मुझसे, माना गलती करी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मुझसे इस तरीके से लड़ोगी। तो जिया जो होती है फिर मतलब एक कॉल करती है और कहती है कि रूही का टिफिन कैबिन में भिजवा दो ना। सो वो जो लड़की होती है ना मतलब प्यून होता है, सॉरी वो प्यून जो होता है वो टिफ़िन ले आता है। तो रूही जिया उससे टिफ़िन लेती है और ना ये सोफे पे जाके बैठ जाती है और टेबल पे ना टिफ़िन खोल देती है और रूही से कहती है कि खाना खाओ। तो रूही कहती है मुझे नहीं खाना। तो जिया जो होती है फिर अपने हाथ से ना गिराई तोड़ती है और उसे ना खिलाती है। तो रूही कहती है कि ये नाटक क्यों करी हो तुम, जब तुम मुझसे बात नहीं करनी और कोई वही नहीं है तो क्यों खाऊँ मैं। तो जिया कुछ नहीं कहती और फिर से मतलब गिराई जो होती है ना उसके आगे कर देती है। तो रूही भी ज़्यादा नाटक नहीं करती और वो चुपचाप से खा लेती है। तो जिया जो होती है फिर दूसरी गिराई तोड़ती है, फिर रूही को खिला रही होती है, मतलब ऐसे दो चार बार ना उसी को खिलाई जा रही होती है। तो रूही कहती है ओ हेलो, मुझे नहीं खाना, तुम्हें भी खाना है। तो जिया जो होती है ना फिर कुछ नहीं कहती और फिर गिराई तोड़ती है और रूही को खिला रही होती है। तो रूही है ना उसके हाथ से ले लेती है और कहती है तुम्हें खिलाऊंगी मैं, ठीक है, नाटकबाज कहीं की, मुझे खिलाई जाती हो, खिला खिला के मोटा करूँगी, फिर मोटी हो जाऊँगी तो फिर तुम कहोगे कि
अब तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं मोटी हो गई हूँ, मैं भद्दी लगती हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो जिया गुस्से में कहती है, ओ हेलो, तुम जो हो जैसी हो परफेक्ट हो। तो रूही जो होती है ना, वो बड़े प्यार भरी नज़रों से जिया की साइड देखती है और कहती है, अच्छा जी, मतलब मैं मोटी भी हो जाऊँगी तब भी तुम्हें पसंद हूँ। तो जिया जो होती है फिर उससे नज़रें चुरा लेती है और इधर उधर देखने लग जाती है ना। तो रूही जो होती है फिर वो ब्लशिंग कर रही होती है कि हाय मेरी जान, कितनी कितनी स्वीट है ना। तो रूही जो होती है फिर अपने हाथ से नींची रोटी जिया को खिला रही होती है। तो जिया पहले तो नाटक करती है लेकिन फिर बाद में उसे पता है कि ये नहीं खाएगी, इसलिए वो खा लेती है। तो जिया जो होती है ना, वो मतलब आधी के मतलब आधी से रोटी खाने के बाद कहती है, मुझे बस मुझे नहीं खाना, ठीक है तुम खा लो, और ऐसे ना उठने लग जाती है। तो रूही जो होती है ना, वो भी गुस्से में टिफ़िन बंद कर देती है और है ना खड़ी हो जाती है। तो जिया कहती है, ओ ये खाना कौन ख़त्म करेगा। तो रूही कहती है कि मुझे नहीं खाना ना। तो जिया कहती है, क्यों नहीं खाना, तुम्हें भूख लग रही थी ना, खाओ फिर। तो रूही कहती है, जब तुम्हें नहीं खाना तो मुझे भी नहीं खाना, ठीक है आगे की बात तुम्हारे समझ में, नहीं खाऊंगी मैं। तो जिया जो होती है फिर रूही का हाथ पकड़ती है और कहती है, बैठो यहाँ पे, नाटक कर रखा है तुमने भी, हद होती है यार। तो उसके बाद जिया जो होती है वो टिफ़िन खोलती है, फिर कहती है, अब चुपचाप से ना बैठ के रोटी खाओ यहाँ पे, ठीक है। और है ना ऐसे बोल के ना रूही को खिलाया जा रही होती है एक के बाद एक कि ना रूही बोल भी नहीं पा रही होती कुछ। तो लास्ट में रूही जो होती है कहती है, बस करो यार, रुक जाओ, पेट है मेरा, इंडिया का गेट नहीं है जिस पर तुम ठूस जा रही हो, भर गया यार। तो जिया जो होती है फिर ना रुक जाती है। तो रूही कहती है, सारा मुझे खिलाओगी, खुद नहीं खाऊंगी। तो नहीं सॉरी, रूही कहती है कि सारा मुझे खिलाओगी, तुम नहीं खाओगी। तो जिया कहती है, मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लग रही। तो रूही कहती है कि सारी जो खाया ना रोटी रही है सब उल्टी करके बाहर निकाल दूंगी अगर नहीं खाई तो। तो जिया जो होती है फिर अंदर रोटी खाने लग जाती है क्योंकि उसे पता है रूही तो ऐसा कर भी सकती है। तो उसके बाद जी एक लोग खाना खा लेते हैं। तो रूही जो होती है वो कहती है कि सुनो। तो जिया कहती है, क्या हुआ। तो रूही कहती है, मीठा मीठा खाना है मेरे को। तो जिया कहती है, मीठा मैं बोल रही, तुम चॉकलेट भिजवा देंगे तुम जाओ। तो रूही कहती है, मुझे वो मीठा नहीं खाना। तो जिया कहती, मतलब। तो रूही कहती है कि मुझे तुम्हें किस करनी है ना, वो वाला मीठा चाहिए। तो जिया कहती है, ओ हेलो, ऐसा कोई मीठा तुम्हें नहीं मिलने वाला, ठीक है आगे बात तुम्हारे समझ में। तो रूही कहती, नहीं मुझे तो वही मीठा चाहिए। तो जिया कहती है, रूही मेरा मूड मत ख़राब करो, तुमने ऑलरेडी बहुत ख़राब कर रखा है, और तुम जाओ यहाँ से, तुमने कहा था ना तुम्हें सिर्फ खाना खाना है, अब हमने खाना खा लिया ना, जाओ यहाँ से। तो रूही कहती है, यार तुम बहुत बदल गई हो यार। तो जिया कहती है, हाँ और ये बदलाव सिर्फ तुम्हारी वजह से आया ना। तो रूही कहती है, यार मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सज़ा दोगी कि अब तुम मुझे। तो जिया कहती है, जितनी बड़ी को तुमने गलती करी है ना उसके मुकाबले तो बहुत छोटी सी सज़ा है। तो रूही जो होती है फिर कहती है, यार अच्छा ठीक है, किसी नहीं करनी, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आई लव यू तो कह दो। तो जिया कहती, क्यों कहूँ मैं तुम्हें आई लव यू, हाँ आई लव यू कहने लायक तुमने छोड़ा है मुझे, जब तुमने मुझसे झूठ बोला था तब तुमने सोचा था। तो रूही कहती है, यार बस मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तो जिया कहती है, वाओ, उस टाइम परेशान नहीं करना चाहती थी लेकिन मुझे झूठ बोल करके परेशान करना तुम्हें सही लगा, ठीक है ना, अब तो मैं कम परेशान हो रही हूँ, एटलीस्ट मैं उस चीज़ से इतना परेशान नहीं होती जितना अब हो रही हूँ। तो रूही कहती है, यार आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो ना। तो जिया जो होती है फिर ना नसरे फेर लेती है। तो रूही कहती है कि यार प्लीज़ माफ़ कर दो। तो जिया कहती है, नहीं करूँगी, जाओ यहाँ से। तो रूही जो होती है फिर वहाँ से चली जाती है और जिया जो होती है अपना काम करने लग जाती है ना। लेकिन जो हमारी रूही होती है वो चीज़ सैड नहीं होती ना, वो कहती है कि शुक्र है इस लड़की को मेरी इतनी परवाह तो है कि इसने मेरे साथ खाना खा लिया कि मैं भूखी ना रह जाऊँ। प्यार तो मुझसे बहुत करती है मगर क्या करूँ, सड़ियल है, अकड़ू है, गुस्सेल है, प्यार का इजहार थोड़ी ना करेगी अपने। तो ऐसा सोच रही होती है, इतने में जी निधि का कॉल आ जाता है रूही के पास। तो निधि रूही से कहती है कि ओए क्या हुआ। तो रूही कहती है, यार कुछ नहीं हुआ ना, मैंने कोशिश करी मगर वो हंसी नहीं। तो निधि कहती है कि तूने क्या किया था। तो रूही बताती है कि मैंने ऐसे ऐसे तस्वीर लगाई थी और जिया ने कुछ भी नहीं कहा ना। तो निधि कहती है, यार ये तो उल्टा ग्रीन सिग्नल है। तो जिया के वो रूही कहती है कि मतलब। तो निधि कहती है कि तुझे पता है
अगर जिया तुझे लड़ती तो इसका मतलब ये था कि वो गुस्से में है, लेकिन उसने तो उसे कुछ नहीं कही। इसका मतलब ये है कि वो चाहती है तू उसे मनाए। तो रूही कहती है, मतलब? तो निधि कहती, देख अगर वो तुझसे लड़ती तो वो जानती है कि तू उसे नहीं मनाएगी और तू गुस्सा हो जाएगी या कुछ भी, लेकिन उसने तो उसे कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये है कि वो चाहती है कि तू उसे मनाए। तो रूही कहती, यार ये मैंने क्यों नहीं सोचा। तो निधि कहती है, एटलीस्ट तुम दोनों की लव स्टोरी में सोचने के लिए मैं हूँ ना, तो मैं सोचूंगी। तो रूही कहती है, हाँ यार तू है तो सही, हम क्यों सोचेंगे। तो निधि कहती है, स्टूपिड लड़की अब क्या करेगी तू। तो रूही कहती है, यार क्या करूँ मैं, क्या करूँ क्या करूँ, एक आइडिया है मेरे पास। तो निधि कहती है, क्या आइडिया है। तो रूही कहती है, यार तू एक काम कर, तू ऐसे ऐसे मतलब ना, निधि को अपना आइडिया बता देती है। तो निधि कहती है, ओके डन, मैं अभी जिया के पास कॉल करती हूँ। तो निधि जो होती है वो जिया के पास कॉल करती है और उससे कहती है कि जिया आज शाम को तुम मेरे साथ घूमने चलना यार, मुझे एक छोटा सा काम है। तो जिया कहती है कि यार हाँ ठीक है मैं तेरे साथ चल लूँगी, लेकिन हमारे साथ रूही तो नहीं चलनी ना। तो निधि कहती है, अरे पागल है यार, तेरा मेरा काम है, रूही का क्या काम, वो नहीं चलेगी। तो जिया कहती है ओके। तो शाम को जी निधि जो होती है वो जिया को ले जाती है जी अपने साथ, और जो रूही होती है वो जिया के घर चली जाती है। तो वहाँ पे जिया की मम्मी से मिलती है, तो वो बोलती है कि बेटा तुम यहाँ पे। तो रूही कहती है, आंटी आज रात को मैं यहीं रुकूँगी ना। तो उसकी मम्मी कहती है, वाह बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो रूही कहती है, हाँ लेकिन आंटी आप ना जिया का खाना मत बनवाना ना, जिया बाहर से खाना खा के आएगी। तो आंटी कहती है, बाहर से क्यों, तुम यहाँ हो तो वो बाहर से क्यों खा के आएगी। तो रूही कहती है कि आंटी मैं उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रही हूँ ना, और वो निधि के साथ गया तो वो बाहर से खाना खा लेगी और उसे पता नहीं है मैं यहाँ पर हूँ, तो आप भी प्लीज़ उसे मत बताना। तो जिया की जो मम्मी होती है वो ये बात मान जाती है और कहती है, ओके बेटा जैसा तुम ठीक समझो। तो रूही जो होती है वो कहती है, आंटी मैं जिया के रूम में जा रही हूँ ना, मुझे उसके लिए कुछ सरप्राइज़ तैयार करना है। तो उसकी मम्मी कहती है, ओके बेटा जाओ तुम। तो निधि जो वो रूही जो होती है वो जिया के रूम में जाती है और कुछ कारस्तानी कर रही होती है ना। तो रात को 10, 10:30 बजे के समथिंग जिया जो होती है वो अपने रूम में आती है, तो देखती है कि रूम की जो लाइट्स हैं वो सारी ऑफ है। तो जिया जो होती है वो रूम की लाइट्स को ऑन करती है, तो देखती है कि उसका पूरा रूम जो है ना वो डेकोरेट हुआ पड़ा है, एक मतलब फ्लावर्स लग रहे हैं, लाइटिंग हो रही है, रिबन्स हैं। तो वो देख के थोड़ी शौक हो जाती है ना कि ये मेरे रूम को क्या हुआ। तो इतने में जो रूही होती है वो रूम का दरवाज़ा जो होती है ना उसे बंद कर देती है। तो रूही पीछे मुड़ के देखती है, वो जिया पीछे मुड़ के देखती है तो रूही होती है, तो वो थोड़ी शौक हो जाती है कि ये यहाँ क्या कर रही है। तो जिया उससे पूछती है कि तुम, तो रूही जो होती है इतने में ना गाना प्ले कर देती है। तो वो गाना कुछ ऐसा होता है ना कि अदाए बड़ी फंकी करे है नौटंकी, ये छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है, तो ऐसा गाना बज रहा होता है ना। तो उसके ऊपर रूही जो होती है वो डांस कर रही होती है, मतलब अफलातून डांस कर रही होती है वो, और बीच बीच में जिया को भी है ना डांस करा रही होती है, कभी उसे तंग कर रही होती है, कभी उसके बाल फैलाती है, कभी उसके शर्ट के साथ पंखे ले रही होती है, कभी उसे घुमा रही होती है। तो कई बार रूही जो होती है वो जिया को बेड पे घेर देती है और खुद उसके ऊपर आके उसको तंग कर रही होती है। तो जिया जो होती है वो उससे बच रही होती है ना कि ये क्या कर रही है, लड़की पागल तो नहीं हो गई। सो ऐसे ही ये दोनों जो होते हैं वो थोड़े थोड़े से क्यूट क्यूट से मोमेंट गुस्से वाले इंजॉय कर रहे होते हैं, जितने में गाना जो होता है ना वो अपने लास्ट पे होता है। तो रूही जो होती है ना वो जिया के अगल बगल में ना घूम रही होती है, तो रूही को ना अचानक से पता नहीं लगता और उसकी जो लुंगी होती है वो खुल जाती है, क्योंकि उसने लुंगी और कुर्ता डाला होता है ना, तो रूही की लुंगी खुल जाती है और उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता ना। तो इतने में जब रूही का ध्यान पड़ता है कि उसकी लुंगी खुल गई, तो फटाक से जो होती है ना वो मतलब जो बेड होता है उसके कोने पे ना छुप जाती है। तो जब जिया देखती है कि उसकी लुंगी खुल गई और वो ऐसे जाके छुप गई, तो जिया बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है और कहती है, हे भगवान कितनी बेवकूफ़ हो तू, जब तुम्हें लुंगी पहननी आती नहीं है तो क्यों पहनी तुमने, और पहनी तो पहनी इतना कि तुम्हें होश ही नहीं है कि तुम्हारी लुंगी खुल गई और तुम नाचे जा रही हो। तो इस बात पे जिया जो होती है ना वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है, और रूही जो होती है ना वो ये देख के बहुत खुश हो जाती है कि चाहे जो भी हो ये हंसी तो सही। तो उसके बाद
रूही होती है ना, वो जिया की दो चार पिक्स को क्लिक कर लेती है और फिर कहती है कि ठीक है मेरी लुंगी तो दो। तो जिया जो होती है फिर रूही की लुंगी ना उसे दे देती है और खुद मतलब फोन अपना फ़ोन और जो वॉच होती है ना उसे उतार रही होती है। तो रूही जो होती है फटाक से अपनी लुंगी पहनती है और ना कूदने लग जाती है कि ये। तो जिया कहती है कौन सा भूत आ गया तुम्हें अब आधी रात को। तो रूही कहती है देखा मैंने दीदी से कहा था मैं तुम्हें हंसा दूंगी, लेकिन वो कह रही थी कि मैं तुम्हें हंसा ही नहीं सकती, देखा ना तुम कितनी ज़ोर ज़ोर से हंसी, ये देखो तुम्हारी पिक्स ये। तो जिया कहती है तुमने फ़ोटो की ली। तो रूही कहती है कि उसे सबूत दिखाने के लिए ली ना यार। तो जिया कहती है हे पकवान पागल लड़की कहीं की। तो रूही जो होती है वो कहती है पागल नहीं हूँ मैं भी निधि को ना फ़ोटो भेजती हूँ। तो रूही जो होती है वो निधि को ना पिक्स भेज रही होती है। तो जिया जो होती है ना फिर उसके हाथ से फ़ोन ले लेती है और कहती है बेवकूफ़ हो तुम। तो रूही जो होती है ना फिर जिया के हाथ से फ़ोन ले लेती है और कहती है बेवकूफ़ मैं नहीं बेवकूफ़ तो तुम हो, जब देखो तो मुसड़ा के बैठती हो, मैं भी निधि को ये फ़ोटो भेजूँगी। तो जिया कहती है कि बेवकूफ़ लड़की टाइम देखा है तुमने, तुम उसको इस वक्त फ़ोटो भेजोगी, कोई इंसान सो रहा होता है इस वक्त, रात के 11:30 बज रहे हैं, वो सो रही है अगली, क्यों उसे परेशान कर रही हो। तो रूही कहती यार। तो जिया कहती कुछ नहीं चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पे। तो रूही जो होती है ना वो बैठ जाती है और कहती बेवकूफ़ तुम, दोस्त है वो हमारी, फ़ोटो नहीं भेज सकती क्या मैं उसे। तो जिया जो होती है ना वो कहती है वो अक्ल से मेंटल, ये तुम्हारे जो अक्ल है इसका कभी तो इस्तेमाल किया करो, एटलीस्ट कभी तो इस्तेमाल करो यार इसका। तो रूही कहती है तो जिया कहती है तो क्या आधी रात को किसी को फ़ोटो भेजते हैं क्या, तू डिस्टर्ब क्यों कर रही हो यार उसको, वो सो रही है सोने दो उसे। तो रूही जो होती है वो कहती है यार कितना बढ़िया बोलते हो ना तुम कि ये तुम्हारी अक्ल है इसका कभी तो इस्तेमाल करो, एटलीस्ट कभी तो करो। वाह जिया वाह क्या बोलती हो तुम तो सुपर्ब। तो जिया जो होती है फिर कहती है हे लड़की क्या करूँ मैं तुम्हारा। तो रूही कहती है कुछ नहीं कर सकती, प्यार कर सकती हो वो कर लो। तो जिया जो होती है फिर गुस्से से उसकी साइड देखती है ना। तो रूही कहती है इन प्यार भरी नज़रों से हमें ना देखो, हमें तुमसे दोबारा हो जाएगा। तो जिया जो होती है ना वो कहती है नौटंकी पास कहीं की। तो उसके बाद रूही जो होती है वो जिया के गले में अपनी बाहें डालती है और कहती है कि एक चीज़ बताओ तुम हर वक्त इतने सड़ू मूड में क्यों रहती हो, कभी हंस लिया करो, टैक्स थोड़ी ना लगता है उस पर। तो जिया कहती है मैं ऐसी ही हूँ सड़ियल सी। तो रूही कहती है कि नहीं तुम सड़ियल तो नहीं हो पर अब हो गई हो ना, और कुछ टाइम बाद मैं तुम्हें बदल दूँगी। तो जिया कहती है मैं जिया हूँ जिया, मुझे कोई नहीं बदल सकता। तो रूही कहती है कि मैं बदल दूँगी ना। तो जिया कहती है कोई नहीं बदल सकता ठीक है। तो रूही कहती है अरे चैलेंज मत करो, अगर तुम जिया हो ना तो मैं रूही जिया हूँ ध्यान रखना। तो जिया सोचती है क्या। तो रूही कहती है कि और नहीं तो क्या, तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो तो तुम्हारा नाम मेरे नाम के पीछे लगता है तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो जिया जो होती है फिर वो एक नज़री रूही को देख रही होती है। तो रूही कहती है यार तुम मेरी पहले वाली जिया क्यों नहीं बन जाती जो मुझसे इतना प्यार करती थी, जो बिना कहे मेरी बात समझ जाती थी, मुझे इतना चाहती थी, तुम वो क्यों नहीं बन जाती। तो जिया जो होती है ना फिर नजरें चुरा लेती है। तो रूही कहती है ये नजरें चुराने से कुछ नहीं होगा यार, माना मैंने गलती करी है मगर इतनी बड़ी भी तो नहीं करी ना कि तुम मुझे इतनी सज़ा दो, एटलीस्ट अब तो माफ़ कर दो यार, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो ऐसे बोल रही होती है तो रूही की जो आँखें होती हैं ना थोड़ी सी भर जाती है। तो ये जिया देख लेती है कि अब इसकी आँखें भर रही है और हमारी जिया जो है वो वैसे भी रूही का रोना नहीं देख सकती ना। तो रूही की भाव में से अपनी गर्दन को छुड़ाती है और कहती है कि तुम सो जाओ तुम्हें नींद की सख्त ज़रूरत है। सो ऐसा बोलने के बाद जो जिया होती है वो रूही को सुला देती है और खुद जो होती है वो अपने कपड़े चेंज करने चली जाती है ना। तो रूही कहती है कि यार चाहे जो बंदी प्यार तो मुझसे ही करती है ना, आखिर मेरी बंदी जो है बस क्या करूँ इसका स्वभाव इतना सर, क्या करूँ क्या कर सकती हूँ। तो ऐसा बोलने के बाद जिया जो रूही होती है वो अपनी चद्दर लेती है और सो जाती है ना, क्योंकि जिया तो अब कुछ नहीं कहने वाली होती है और वो नहाने गई होती है तो वो आधे घंटे बाद ही आएगी। सो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि हमारी रूही जो है वो एक बार
मतलब एक पायदान तो चढ़ चुकी है ना, उसने जिया को फंसा दिया। सो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो, रूही जिया को मना भी लेगी या फिर रूही जो होती है वो हार मान जाएगी और जिया का गुस्सा जीत जाएगा। सो ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और गाइस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।